सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इकबाल, कहते हैं आने वाले कल के खतरात हमारी आज की ज़िंदगी को मशकूक बना देते हैं। आओ मजबूत यकीन के साथ कदम उठाएं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे खतरात जो ज़िंदगी में या मुस्तकबिल में आना हो या ना हो, लेकिन उसके हवाले से हम कॉन्टीन्यूसली सोचते हैं, जिससे हमारा आज तबाह हो जाता है। तो कोशिश की जाए, चाहे जो भी हो, बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। हर टीवी पे, रेडियो पे लोग बात करते हैं पॉजिटिव, ये रहना ज़रूरी है। इसके बिना आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस बात के साथ रेसिपी की जानिब चलते हैं। और थ्रू आउट द वीक जितने आप खाने बनाते हैं, चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, खानों में भी। कुदरत का सिस्टम इसी तरह चलता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एवरी सिंगल डे आप चिकन ही बना रहे हैं या बीफ बना रहे हैं। 7 दिन कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आज जिस महफिल में जो रेसिपी शेयर करें वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, बट बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं, लेकिन डिनर में भी इंजॉय करेंगे, मज़ा बहुत आएगा। रेसिपी शेयर करें, पोटैटो एग सैंडविच, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, ऑमलेट स्टाइल में इसका बनाएंगे। और वो हमने आलू के सैंडविच के अंदर ऐड करना है। और उसके साथ ही बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद, हम बना रहे हैं एक बहुत मज़े का स्पेनिश ऑमलेट भी, जिसमें आलू तले जाएंगे, फ्राई होंगे, वो फिर ऑमलेट के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है जी, और साथ ही आप भी मौजूद हैं कॉल के जरिए, शो का सब बनेंगे, प्रोसेस जारी है और कॉल कर सकते हैं आप। रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले स्पेनिश ऑमलेट के लिए आलू हम काट रहे हैं, और उसके बाद आलू को फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, स्पेनिश ऑमलेट के लिए आलू एक आधा था, इसके 2 पीस किए जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, 2 पीस करने के बाद इस तरह हमने स्लाइस काटा, और 2 पीस करने के बाद इस तरह स्लाइस कर लेना भाई, देखिए। ठीक है जी, आलू स्लाइस कर रहे हैं और प्रोसेस जारी है। ठीक है जी, और सवाल इतना सा है कि आलू जो है ना, देखिए आप, आलू में इतना लेसपन क्यों होता है, आलू इतने चिपकते क्यों, इसकी क्या वजह है? ठीक है जी, आलू जैसे कि आप देख रहे हो, आलू के अंदर लेसपन बहुत ज़्यादा, आप देखिए चिपकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ना, खाते हुए भी और बनाते आपको फील होगा बिल्कुल, क्या वजह है आलू में इतना चिपकते इतने क्यों ज़्यादा, इस आलू के अंदर से क्या चीज़ होती है, सवाल है हमारा। ठीक है, आलू स्लाइस कर लें। ठीक है जी, और देख, लेट्स सी, ऑयल हमने रखा है गर्म होने के लिए, बस आलू हो जाए उसके बाद, बल्कि हो चुके हैं। ठीक है, आलू हम फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, आलू हम स्लाइस कर चुके हैं, और स्लाइस करने के बाद आलू ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए आलू स्लाइस करके कर रहे हैं फ्राई। ठीक है जी, और ये ऑमलेट जो बनेगा 5 अंडों का बनेगा। ज़रा आलू आधा और शामिल कर रहा हूँ, सिंपली 2 पीस किए, उसके बाद स्लाइस कर लेना है। स्लाइस करने के बाद क्या होगा, स्पेनिश ऑमलेट किस तरह होगा तैयार, आपको बताते हैं। प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल जारी है। ठीक है जी, ये आलू भी हमने शामिल किया। तो ये आलू हो रहे हैं फ्राई, आलू देखिए तले जा रहे हैं। ठीक है जी, और प्रोसेस बिल्कुल जारी है। उसके बाद बाकी अज्जा देख लीजिए, स्पेनिश ऑमलेट के लिए हमें और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी टू मेक स्पेनिश ऑमलेट। तो बाकी दीगर अज्जा में 3 आलू के साथ 5 अंडे शामिल करने, एग्स यहाँ मौजूद हैं, 5 अंडे शामिल करने, नमक, काली मिर्च और ऑयल, आलू को फ्राई करने के लिए भी और अंडा तलने के लिए भी हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। लेकिन बहुत मज़े का, बहुत मोटा, थिक, फ्लफी ऑमलेट होगा तैयार। ठीक है जी, तो प्रोसेस बिल्कुल जारी है। आलू हो रहे हैं हमारे फ्राई, और कलर आएगा आहिस्ता देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ऐसा ना किया जाए कि बहुत तेज़ी से इसके कलर आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता कलर आने दीजिए, प्रोसेस का जारी है, तक हल्का सा है।
एक मजे का सॉफ्ट पन बरकरार रहेगा। बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, पर आलू के बहाने जा रहे जी ऑमलेट भी इंजॉय करेंगे, तो बहुत हेल्दी है, पावरफुल चीज है। जब तक आलू हमारे हो रहे हैं तैयार, तब तक हम बाकी प्रोसेस की जानिब भी चलते हैं। बाकी प्रोसेस ये कि एक बाउल लें, इस बाउल को आपने ट्रांसपेरेंट बाउल है या जो भी हो उसे आपने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है, ठीक है जी। आलू इसको आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इसमें हम अंडे शामिल करते हैं। ड्राई करने के बाद इसमें हम अंडे शामिल करते हैं, देखिए एक, ठीक है जी एक, साथ ही ये दूसरा अंडा हमने इसी के अंदर शामिल किया, ये देख सकते हैं हम दूसरा, और पांच अंडे। लेकिन याद रहे कि आलू भी आपने कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना है, कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं एक तरफ से ज्यादा ब्राउन हो तो अगली जानब इसका कलर हल्का हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तीसरा अंडा भी हमने शामिल किया, ठीक है, तीसरा, चौथा, फोर्थ एंड साथ ही फिफ्थ वन लास्ट अंडा भी इसी के अंदर हमने शामिल किया। इस तरह से बीट करते हैं और इस वक्त लेट्स सी कौन मौजूद है, फर्स्ट कॉलर ऑफ आवर शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। आयशा कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक, मजे में। आयशा खैरियत है? जी, मुझे आपका शो बहुत 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 पसंद है, मैं आपकी रेसिपी फॉलो भी करती हूँ बहुत। आपका बहुत 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 शुक्रिया। कौन सी रेसिपी लास्ट आपने ट्राई की हमारी आयशा? हेलो, कह रहा हूँ इस शो में बनने वाली लास्ट रेसिपी कौन सी ट्राई की आपने? आवाज आ रही है आपको? आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। अच्छा, अब ठीक है आपसे। जी जी जी, मुझे आपसे जो है रेसिपी पूछनी थी। कौन सी बोलिए, फरमाइए जी। आप मुझे पिज्जा के बताइएगा। क्या चीज? पिज्जा? जी जी जी, पिज्जा। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर आयशा, जरूर बनाएंगे आपके लिए, जरूर बनाएंगे। मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ। आप खुद कौन सी डिश बेस्ट बनाती हैं, जो आपकी सिग्नेचर डिश हो? जी? आप खुद कौन सी डिश बेस्ट बनाती हैं, जो आप बनाती हूँ तो सब तारीफ करते हो? जी, मैं तो सभी कुछ तकरीबन बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ, सभी कुछ सब पसंद करते हैं। जो आपकी मैंने रेसिपी ट्राई करती हूँ, जो देखती हूँ मैं, वो सब ट्राई करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, खुश रहें, शादोआबाद रहें। थैंक यू दोस्तों। आयशा मौजूद रही, स्पेनिश ऑमलेट बना रहे हैं, जिसके लिए आलू तले जा रहे हैं, आलू हो रहे हैं फ्राई। पांच अंडे यहाँ हम शामिल कर चुके हैं, आलू हो रहे हैं फ्राई, पांच अंडे, और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फ्लफी होगा, बहुत ज़्यादा से बीट करना होगा, ठीक है जी, इसे आपने ठीक ठाक बीट करना होगा। इस वक्त हम फॉक से करें, लेकिन आप उसके बाद इसे हम हैंड बीटर से भी फेंटेंगे। आलू हो रहे हैं फ्राई और इसे बीट करना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, जितना हो सके इसे बीट करना, बल्कि हैंड बीटर भी हमें रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। और आलू भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये तले जा रहे, प्रोसेस जारी, कलर इसका आता जा रहा है, ये देख सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा आई वुड से के चूल्हा तेज ना रखें, ताकि अच्छा से इसमें कलर भी आ जाए और प्रोसेस बाकी जारी है, ठीक है जी। और इसके साथ ही हैंड बीटर से आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है, ठीक है जी। हैंड बीटर से आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने बीट करना है, फेंटना है, फ्लफी होगा, उठेगा ये। आलू का चूल्हा जितना नॉर्मल रखिए, ताकि अच्छा से कलर तो आ जाए, लेकिन ये ज़्यादा डार्क ना हो। जितना हो सके इसे बीट करना है, फेंट लेना आपने, ठीक है जी, जितना हो सके इसे आपने फेंट लेना है, बीट कर लेना है। सूफिया आ चुकी हैं शहर लाहौर से। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूफिया कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक भाई, आपका अभी मैंने टेलीविजन ऑन किया तो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया, थैंक यू।
चलें बहुत शुक्रिया शुक्रिया सूफिया और जितने दोस्त कॉल कर रहे हैं प्लीज कॉल से पहले टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए काइंडली। ठीक है आलू जी, आलू ये फ्राई हो चुके से निकाल लें। ठीक है आलू फ्राई करने के बाद इस तरह आपने से निकाल लेना। और कोई भी चीज़ दुनिया की आप फ्राई कर रहे हो तो, बल्कि चलिए आसान सा सवाल है आपके लिए, वैसे से पूछ चुके हैं वैसे तो आपसे कि आलू इतना इसमें आपस में ये स्टकीपन क्यों होता है, इतने ज़्यादा चिपकते क्यों, उसकी क्या वजह है। ठीक है जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये अगले 10 मिनट तक सवाल है, फिर उसके बाद आपको जवाब बता देंगे। ठीक है जी फ्राई करके इसे निकाल लीजिए ऑयल, और ये हमने इस बाउल के अंदर शामिल किया। उसके बाद ही देखिए फिर से आपने 5 अंडे जो शामिल किए फेंट लेना, मजे बहुत अच्छा बीट करना जरूरी है वरना फ्लफीपन नहीं आएगा इसमें। जितना हो सके अच्छा बीट करना है 5 अंडों को। ठीक है और ये फोम सा बन जाएगा, बीट करते रहेंगे जैसे ही आप, ये फोम सा बन जाएगा, बहुत फ्लफी हो जाएगा और फ्लफी होना जरूरी है। इस वक्त अगर यहाँ आपने ज्यादा बीट नहीं किया, फ्लफी नहीं हुआ, तो स्पेनिश ऑमलेट नहीं बनेगा आपका। ऑमलेट तो बन जाएगा बट स्पेनिश ऑमलेट जो रियल होता है वो नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपने बहुत अच्छी तरह बीट करना है, कॉन्टिन्यूसली आपने फेंटते रहना है, फेंटा लगाना है, फेंटा अच्छी तरह आपने कॉन्टिन्यूसली बीट करना है। दोस्तों बीट कर रहे हैं, साथ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक और जबरदस्त आलू और अंडे के सैंडविच भी बनाएंगे। मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं, प्रोसेस जारी, आप देख रहे हैं शेफ 21। और हमने पूछा कि आलू के हवाले से इतना सा पूछा था कि आलू के अंदर इतने चिपकते क्योंकि इसकी वजह स्टार्च इसमें काफ़ी होता है दोस्तों, यही वजह है। और अगला सवाल हमारा सिंपल है, सिर्फ 2 से 3 कॉल्स लेंगे, ज़्यादा कॉल लेंगे काम बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं, वो कौन सा मुल्क है। ठीक है जी जवाब देंगे, वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी लेकिन ये फैक्ट बताते हैं कि कुछ मुल्कों के लोग जिस तरह हम बात करते हैं जाके एवरेज एज भी होती है और भी काफ़ी फैक्ट होते हैं। तो फैक्ट आपने बताना, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज़्यादा अरसे तक जीते हैं, ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। स्पेनिश ऑमलेट के लिए 5 अंडे बहुत अच्छी तरह बीट कर चुके हैं, फ्लफी होके ऊपर आते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो आलू हमने तल कर रखे थे, ठीक है फ्राई करके रखे थे, ये आलू आपने सभी तले हुए आलू आपने इस अंडे के अंदर शामिल किए। ठीक है और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ और चीज़ें भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, नमक हसबे जायका,
देखा होगा आपने फाइव स्टार होटल में लास्ट में टॉप पर नमक डालते हैं, जिससे मजा नहीं आता। नमक इसके अंदर होना चाहिए। जरा सी काली मिर्च भी हम शामिल कर रहे हैं। नमक, काली मिर्च, अंडे के अंदर या आलू शामिल किए, जरा सी और मिक्स कर लेना आपने अच्छी तरह से। ये देखिए आपने, ठीक है, पांच अंडे और इसमें हमने तले हुए आलू शामिल किए। अब फिर से चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जलाने के बाद शामिल करते हैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल, दो चम्मच लगभग आपने ऑयल शामिल करना है और ऑयल आपने अच्छी तरह फैलाना है। ठीक है जी, ऑयल शामिल किया और ये जो हमने मिक्सचर ही बनाया है आपने, ये हम इसी पैन के अंदर सब शामिल करते हैं। पांच अंडे थे, चूल्हा बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, धीमी आंच पे, और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सदब बात कर रही हूँ। जी जी सदब साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश। क्या कहेंगी आप? बस आज तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, जो आप कटिंग करते हैं ना अपनी, ये जो यहाँ पे जी, वो जी। बड़ी जबरदस्त करते हैं, अक्सर मैं फॉलो भी करती हूँ आपकी नकल से कि मैं इस तरीके से कटिंग करूँ जी, तो जी। कभी तो सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से आप ये कटिंग करते हैं, जो सब्जियां वगैरह की जो करते हैं ना। जी जी जी, आई थिंक बहुत शुक्रिया, और बेस्ट बात है कि आप कोशिश तो करती है ना। जी जी बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा तरीके से आप करते हैं, तो दिल चाहता है कि हम भी ऐसे फॉलो करें, हमें भी इसी तरह आनी चाहिए। जी जी जरूर आप ट्राई करें, और आप तो हम तो कहते हैं, बल्कि हर जगह कह रहे हैं कि आज की खवातीन तो कुछ भी कर सकती है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, और आज की रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। शुक्रिया जी, बना रहे हैं। जवाब देंगे सवाल का सदफ, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं, जहाँ की एवरेज लाइफ ज्यादा है? चाइना, जापान, ये मुल्कों में मैंने सुना हुआ है कि ज्यादा लोग जीते हैं। चाइना, जापान, ठीक है ठीक है, चलें आपका जवाब भी नोट किया, एंड थैंक यू। दोस्तों ये बात इतनी सी है कि नीचे से कलर आता जा रहा है, लेकिन चूल्हा आपने ज्यादा तेज नहीं रखना, इसका होता है कि आपने चाहे तो कवर भी कर लीजिए ताकि अंदर तक कुक होगा और ये फॉर्म सा, और जब इसे बाइट लेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा आपको, अंडों की दुनिया में आपको ये अलग सफर पे ले जाएगा ये ऑमलेट। कुछ देर के लिए चाहे तो कवर कर लीजिए, चूल्हा बहुत कम रखना है, ठीक है, चूल्हा कम रखना है ताकि जबरदस्त इसका कलर आ जाए, ठीक है जी। साथ ही हमने एक सैंडविच बनाना है, आलू और सैंडविच का नाम है पोटैटो एंड एग सैंडविच, ठीक है जी, आलू और अंडे का सैंडविच, डिफरेंट है उसका मेथड भी, उसमें भी ऑमलेट बनेगा, किस तरह होगा तैयार, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, ठीक है जी। पर मुझे लग रहा है कि इसमें जल्दी कलर आ जाएगा, तो कलर इसका अच्छा सा आता जा रहा है, जरा सा से अब टर्न ओवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगली रेसिपी की जानिब चलते हैं। फेसबुक की दुनिया में आप हैं तो जरूर ज्वाइन करें हमें, शेफ 21 के नाम से हमारा पेज है, और मुझे तलाश करना चाहें फेसबुक पे तो बहुत से लोग ज्वाइन करें, माशाल्लाह 1,12,000 लाइक हो चुके हैं, बल्कि 13,000। यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं K21 न्यूज भी, और मुझे भी आप इकबाल शाह के नाम से, ठीक है, एंड शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ठीक है, अभी ऑमलेट टर्न ओवर कैसे करना है, और ये मुश्किल मरहला होता है, ठीक है जी, टर्न ओवर से करना है। आगे लाया आपने, ठीक है, जरा से और कुक होने दें, इसे यहीं ले आते हैं, ठीक है जी। दोस्तों इसे करते हैं हम टर्न ओवर, प्रोसेस जारी है, देखना अब शेफ 21, और लेकिन कलर इसका अच्छी तरह से एक तरफ आना जरूरी है, ठीक है जी, कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसे पलटना है, टर्न ओवर करना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, ठीक है।
ठीक है जी, टर्न ओवर किया, उसके बाद फिर से आपने इसे कवर कर लेना है। ये बाकी जो निकाला था ये भी हमने यहाँ रखा, कुछ देर के लिए टर्न कवर किया और बहुत धीमी आंच पे से आपने रखना है। ठीक है, अगर अगर बिछाना है तो बिछा लीजिए, लेकिन वैसे ये ठीक है। ठीक है जी, और अब अगली रेसिपी की जानिब चलते हैं। सैंडविच बना रहे हैं आलू के, और उसके लिए सैंडविच के लिए आलू हमने उबाल कर मैश कर लिए। और जब भी अब आलू को रेसिपी अब आलू की बना रहे हो, आलू उबालने के बाद जब भी मैश करनी हो, कुछ देर अगर आपने रख लिया 15 मिनट भी, फिर आप मैश नहीं कर सकते, गुठली बनेगी। तो बेस्ट चीज़ ये किसे आपने आलू को उबाल कर फौरन ही मैश करना है। ठीक है जी, मैश कर चुके हैं, बाकी प्रोसेस की जानिब चलते हैं। और सैंडविच के लिए ब्रेड स्लाइस मौजूद है। ठीक है जी, ब्रेड स्लाइस मौजूद है, और इसे टोस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन हम डायरेक्टली बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ब्रेड स्लाइस पे अप्लाई करते हैं हम ये बटर नाइफ से मेयोनीज। ठीक है जी, बटर नाइफ से आपने मेयोनीज अप्लाई करना है ब्रेड के ऊपर। ठीक है जी, सभी भी आपने जितने आप सैंडविच बनाना चाह रहे हैं, सवाल सुन चुके हैं वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, जहाँ का लाइफ ज्यादा है, अब जवाब भी दे रहे हैं, प्रोसेस जारी है। ठीक है, तीसरा और ये बाकी भी ले आते हैं। ठीक है जी, मेयोनीज इस तरह आपने अप्लाई करना है। बाकी कोशिश कीजिए ब्रेड जितनी ताज़ा होगी उतना आपका ये सैंडविच अच्छा बनेगा। तो ब्रेड का ताज़ा होना मस्ट है, लेकिन जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है जी, इस तरह आपने अप्लाई किया सैंडविच सबके ऊपर। ठीक है जी, दोस्तों मेयोनीज अप्लाई किया, और ये प्लेन मेयोनीज है, चिकन या कोई और हमने शामिल नहीं किया। और इस तरह करने के बाद वो ब्लेटर जिसमें इसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है हमने, इसे ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर लाइफ फोर ने जी बोला हरिपुर से K21। जी जी, कैसे हैं मंजू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो दिनों से मैं बिल्कुल गैर हाजिर, उसके लिए मैं माजरत। बस वो काम इस किस्म का होता है ना इकबाल भाई, मैं क्या बताऊं कि इधर उधर उधर आने जाने में जो है ना मेरा जो है ना टाइम ये निकल जाता है। और फिर मजे की बात है, आपकी रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, और फिर 6:30 के बाद तो कॉल मिलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया फिर, तो मैं फिर पहुंच नहीं पाया। बस ये खवातीन आपको औरतें जीतने नहीं देती ना, वो कंटिन्यूअसली उनकी कॉल्स होती हैं। हाँ ये तो है, अल्लाह, मैं असल में मैं किसी भी शो की जो देखने की वो है ना जी, वो यही होता है कि उसका फीडबैक जब आपको मिलता है ना तो पता चलता है कि जी माशाल्लाह कितना प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मंजूर साहब, सवाल पूछा, कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, एवरेज लाइफ ज्यादा है जहाँ की? नहीं इकबाल भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता। और कुछ कहना है? मैं प्रोग्राम में जो बाकी जो मैं वो अपना जवेरिया ने आपसे कहा था कि वो अंडों का पराठा था, एक दो और थे वो पैन केक की फरमाइश थी, कुछ दो चार चीजें ऐसी थी कि जी वो बनानी थी जो अभी तक नहीं बनी। जवेरिया कौन सी वाइफ है आपकी, पहली बीवी है दूसरी? जनाब ये तो दूसरी है ना, यहाँ इस्लामाबाद वाली। अच्छा अच्छा, दूसरी इस्लामाबाद वाली। अच्छा ठीक है, फिर तो जरूर जरूर बनाते हैं, जरूर बनाते हैं। हाँ, तो अभी शो देख रही हैं, प्लीज जरा हेलो कह दीजिएगा, तो मेरी तरफ से आपको MCR PCR और सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी जी, MCR PCR कैमरामैन जब सब आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। एंड हेलो जवेरिया भाभी जी, आप ग्रेट हो माशाल्लाह, खुश रहें शायद आबाद रहें। ठीक है जी, अच्छा दोस्तों इसमें नमक शामिल किया आलू के अंदर, और जरा सा काली मिर्च ऐड करते हैं। ठीक है जी, और साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई। मेरे ख्याल से वक्फे की तरफ भी जाना है दोस्तों। ठीक है जी, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो ये रेसिपी बहुत खास है, ऐसा नहीं कि आलू आपने बना कर ऐड किया, इसमें खास ऑमलेट बनेगा, और वो इसके अंदर ऐड करना है कि वक्फा है, वक्फे के बाद कंटिन्यू करते हैं और ये स्पेनिश ऑमलेट की प्रेजेंटेशन करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। और हमारा स्पेनिश ऑमलेट मैं चाहूंगा आप जरा देखें कैमरे की नजर से, जबरदस्त हो चुका है तैयार। और अब बाइट लेंगे इसका अपना ही मजा, क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं। ठीक है जी, और इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, जबरदस्त। बाहर से दोनों जानिब इसका कलर अच्छा आ चुका है, लेकिन जब आप बाइट लेंगे तो अंदर बहुत मजे के सॉफ्ट आलू आपको इंजॉय कर सकेंगे, जिसका अपना एक बहुत मजे का फ्लेवर है। देखिए, ठीक है जी, तो ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट हो चुका है बिल्कुल तैयार। ठीक है, मोटा है और पिज्जा की तरह से हमने क्रॉस रखा है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं अगली रेसिपी, जो हमने बनाना है ये सैंडविच, आलू और आलू अंडे के सैंडविच, जिसमें हमने चीज भी ऐड करनी है। ठीक है जी, तो प्रोसेस की जानिब चलते हैं। आलू ऐड किए थे, नमक, काली मिर्च और सफेद मिर्च। ठीक है, इसे आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद शामिल करना है हरा धनिया चॉप किया हुआ और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें, धनिया, मिर्च शामिल करके जरा से और कर लेना अच्छी तरह से मिक्स, मिक्स इट वेल। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद आपने यहां रखना है सलाद पत्ता। ठीक है जी, सलाद पत्ता दोस्तों आपने इस सैंडविच के ऊपर इस तरह रखते गए, एक पे, दो पे, और ये छह ब्रेड है, तो तीन हमारे ये सैंडविच होंगे तैयार। ठीक है जी, तो एक कंप्लीट और मजे की रेसिपी। ठीक है, और सलाद पत्ता रखने के बाद ये जो हमने ये अंडा बनाया, ये आलू का टेक्सचर बनाया है, ठीक है, तो ये आपने इस तरह से स्पैचुला से उठाया। ठीक है जी, कबाब की टाइप का बना सकते हैं यहाँ भी, यहीं भी आप, और ये इस तरह आपने आलू यहाँ पे इस तरह रखा, जरा जैसे आपने इस तरह दबाना है, प्रेस करना है, एक तरह से आलू का कबाब भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है जी, मैश आलू को इस तरह आपने, जिसमें हरी मिर्चें, साथ ही इसमें धनिया और मज़े का फ्लेवर है। ठीक है, इस तरह आप रखते रहेंगे, और बच्चों के लिए, बल्कि आई थिंक हर एज के अफराद के लिए बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब आलू के बाद चीज मौजूद है हमारे पास, चेडर चीज। चेडर चीज आपने इस तरह स्प्रिंकल करनी है आलू के बाद, इस तरह से। ठीक है जी, चेडर चीज ना हो तो आप बेशक शामिल ना करें, अगर आपको चीज पसंद ना हो तो। ठीक है जी, आलू के बाद चीज, और चीज के साथ ही एक टमाटर आपने स्लाइस कर लेना, स्लाइस करने के बाद टमाटर आपने इस तरह बीच में रखा और जरा से और दबाना ताकि एजिस पे आ जाए। ठीक है जी, किसी पे ज्यादा हो तो कम भी कर सकते हैं। तीनों पे टमाटर, चीज, आलू आ चुके हैं। अब इसका मजे का एक ऑमलेट बनाना है, तो चलिए ऑमलेट की जानिब चलते हैं। फ्राइंग पैन और एक अदद बाउल। ठीक है जी, और इस बाउल में दो अंडे हम बिल्कुल अब ऐड करते हैं और इसे हम जरा शामिल करते हैं। ठीक है जी, एक अंडा शामिल किया इसके अंदर, बाउल के अंदर। और दूसरा भी, ठीक है जी, अंडा शामिल करने के बाद जरा सा हल्का सा काली मिर्च और सॉल्ट जरा इसे फेंट लेना है। चूल्हा जला रहे और ऑमलेट की प्रोसेस का आगाज करते हैं। ठीक है जी, और ये मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट की बात की जाए, हमें चाय पापे से आगे बढ़ के कुछ डिफरेंट इस तरह हर रोज़ नए नए ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि दुनिया की रिसर्च बताती है, दुनिया के डॉक्टर्स बताते हैं कि सुबह का टाइम नाश्ता बादशाहों वाला होना ही चाहिए। बीट कर रहे हैं और स्पैन के अंदर शामिल करते हैं ऑयल। एक चम्मच हमने लगभग ऑयल शामिल किया। ठीक है जी, एक चम्मच और ये शामिल किया हमने, और उसके बाद देखिए कि हमने अंडा शामिल किया। ठीक है जी, बीट के हुए हमने अंडे शामिल किए, और आप चाहें तो इसमें भी हम चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जरा सी चीज चलिए हम यहां भी ऐड करते हैं, बहुत से लोग इसके अंदर भी ऐड करते हैं, टॉप पर भी। चलिए आपको दोनों तरीके बताते हैं। ठीक है जी, जरा से कुक होने दीजिए। तो बस इख्तितामी लम्हात, कुछ ही देर में आपसे इजाजत लेंगे।
ऐसे भी पीसेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है जी, प्रोसेस बिल्कुल जारी है जैसे कि आप देख सकते हैं। जरा से कलर आने दीजिए। और स्पेनिश ऑमलेट भी तैयार है, सैंडविच भी हमारे बनते जा रहे हैं। जैसे कलर आए उसके बाद आपने इस तरह टर्न ओवर करना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसके बाद ही आपने, ठीक है, दोनों जानब से बहुत ज़्यादा आपने इसे कलर नहीं लाना। ठीक है जी, तो उसके बाद इस तरह आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। चूल्हा बंद किया और इसके पीसेस कर लेते हैं। पीस करने के बाद ये जो प्लेन ऑमलेट था इस तरह आपने रखा और उसके नीचे आपने जरा सी चीज़ आपने पिसानी है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाएगी। चीज़ रखी और उसके ऊपर आपने अंडा रखा कि चीज़ से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है जी, फिर से ज़रा सा और पीसेस करते हैं कुछ। चीज़ रखी और आलू के ऊपर, उसके बाद ये अंडा रखा कि चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी। इसी तरह तीसरा भी, ठीक है जी, तीसरा भी आपने चीज़ रखी इसकी सरफेस पे और उसके बाद ये ऑमलेट रखा। ठीक है जी, इसे करते हैं कवर, प्रोसेस जारी है, इख्तितामी लम्हात, सैंडविच की करते हैं तैयारी। सैंडविच का दूसरा हिस्सा लाना है लेकिन उससे पहले ज़रा सा आपने स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर आपने काल चाट मसाला है लेकिन हम इस वक्त काल जरा सी लाल मिर्च स्प्रिंकल करें हल्की सी। ठीक है जी, हल्की सी लाल मिर्च और उसके बाद ये इसका ब्रेड का दूसरा हिस्सा, बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं कोकम्बर, चले खीरा भी ले आते हैं। खीरा स्लाइस कर लेना है, स्लाइस कोकम्बर भी एक एक पीस रख रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट और मजे का हेल्दी सा आपका ये सैंडविच आलू। ठीक है, आलू का दूसरा हिस्सा ब्रेड का प्रेस किया, तीसरा। अच्छा, आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं जो कि इंडियन स्टाइल है, आपने देखा होगा जो दुबई में भी बहुत से रेस्टोरेंट में आपको मिलता होगा। क्या वक्त है हमारे पास? ठीक है जी, चलिए एक आपको फ्राई करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी दोस्तों, हम लास्ट 6 मिनट आपको दिखाते हैं किस तरह से तलना है आपको। एक दिखा देते हैं, चूल्हा ऑन किया और इसी के अंदर ये ऑयल हमारे पास जो था ये ऑयल आपने शामिल किया। ठीक है जी, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। इख्तितामी लम्हात, वक्त बहुत कम है, जवाब देते रहें और कुछ ही देर में आपसे इजाज़त भी लेते हैं। ठीक है जी, बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं, जरूरी भी है। जवाब दे सकते हैं वो कौन सा मुल्क है जहां के लोग ज्यादा अरसे तक जीते हैं, जहां के लोगों की एज एवरेज एज ज्यादा होती है। ठीक है जी, आप बता सकते हैं। तो प्रोसेस जारी है, खीरा भी और बाकी चीजें भी रिमूव की। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें चिकन या कुछ और भी फिलिंग कर सकते हैं लेकिन ये आज हमने आलू और ये ऑमलेट वाला सैंडविच बनाया। ठीक है, पैन जरा सा गर्म हुआ उसके बाद जो ये हैवी सा ये सैंडविच बनाया जिसमें सब कुछ ही है, चीज़ भी है, आलू भी है, ऑमलेट भी है। इस तरह आपने इसे ब्राउन कर लेना है। ठीक है जी, कलर आ रहा है और बाकी चीज़ों को रिमूव कर। ठीक है जी, और वो प्लेटर जिसमें इसकी प्रेजेंटेशन करनी है फाइनल वो ये, इसे आपने ड्राई कर लेते हैं परफेक्ट। ठीक है जी, प्रोसेस जारी है, बस सैंडविच का जैसे कलर आता उसके बाद करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी भी। वो छोड़ रहा है। ठीक है जी दोस्तों, बस जैसे ही कलर आता है तो इसे आपने टर्न ओवर करना है। ये देखिए कितना जबरदस्त कलर आ चुका है। ठीक है जी, बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अंदर चीज भी है, आलू भी है, ऑमलेट भी है और इसके साथ अगर ग्रीन चटनी आपने नहीं रखी तो
कैसे मजा आएगा। तो ग्रीन चटनी आपने जरूर रखनी है, ठीक है जी। जैसे ही कलर आया ये देखिए जबरदस्त बाइंडिंग हो चुकी है और इसे हमने यहाँ रखा। चलिए एक और फ्राई कर लेते हैं, ठीक है जी, लास्ट दो मिनट हैं तो एक और फ्राई कर लेते हैं। और जो फ्राई हो चुका आपको जरा काट के दिखा देते हैं इसका टेक्सचर कि अंदर तक इसका मजा पहुंचा है या जायका या टेक्सचर या अंदर तक कैसा दिख रहा है तो वो आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। दोस्तों ये जबरदस्त सैंडविच दोनों जानिब से परफेक्ट ब्राउन रखा, पीसेस करते हैं इसके, ठीक है जी। इजाजत है, नाइफ का तेज होना बहुत जरूरी है, नाइफ का तेज होना बहुत जरूरी है। और सैंडविच को जरा टर्नओवर भी कर लेते हैं। ठीक है जी, कलर आया से आपने टर्नओवर किया, ठीक है दोस्तों इसे हम काट लेते हैं यहां से इस तरह। और ये अंदर इसका टेक्सचर आप देखिए, आलू भी है इसमें, ऑमलेट भी है इसमें, खीरा टमाटर भी है और चीज का मजा भी है, ठीक है जी। और ये आपको अच्छी जगहों में फाइव स्टार होटल में अगर मिलेगा आपको तो कोई 1000 से कम का नहीं मिलेगा, कम घर पे कम बजट में तैयार कर सकते हैं, इस तरह रखते जाएंगे। और ये जो फ्राई हो चुका है इसे भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और इसके भी करते हैं दो पीसेस काफी घर में एहतियात के साथ। इस तरह आपने इसके पीसेस किए, रखना किस तरह आपको दिखाते हैं। लुक एट दिस अमेजिंग। और ये अंदर देखिए जबरदस्त मजा बनके परफेक्ट आपको ये ऑमलेट ऐसे, बल्कि दोस्तों इस तरह रखते हैं ताकि आप देख सकें इसका अंदर का लुक। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं इसका अंदर का टेक्सचर भी। और जरा सा ये सैलेड भी, और ये हमारे दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार। और वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। एक और ऑमलेट ये है सैंडविच, बल्कि हम तल भी लेते हैं लेकिन आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है जी। एक और तला जा रहा है और आपसे लेते हैं इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। सवाल पूछा वो कौन सा मुल्क है जहां के लोग ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं, जहां के लोगों की एवरेज एज ज्यादा है, तो दुरुस्त जवाब जो है, ठीक है, किसी ने कहा जापान, किसी ने कहा चाइना, पर दुरुस्त जवाब है वो है मोरक्को, ठीक है। मोरक्को मुल्क है जहां के लोग ज्यादा अरसे तक, जहां के लोगों की लाइफ लॉन्ग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शादो आबाद रहें, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में तो तब्दीली होती है, बल्कि रिसर्च बताती है कि दूध पिलाने वाली माँ का दूध भी जहरीला हो जाता है टेंशन में। टेंशन इतनी खतरनाक चीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।